हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 12 का मैथ का है और यह मैथ का फर्स्ट भाग का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन किया था। उसके बाद के टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में उससे संबंधित जो हम लोग टॉपिक्स का डिस्कशन किए थे, उस टॉपिक्स के डिस्कशन से संबंधित एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। तो आइए देखा जाए एक्सरसाइज आपका 5.3। 5.3 में निम्न प्रश्नों में dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है। ये सारे क्वेश्चन से dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो एक बार और समझ लिया जाए, जो फंक्शन आपका दिया रहेगा उसका dy/dx हम निकालेंगे। तो जो फंक्शन दिया हो उस फंक्शन को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करके उससे dy/dx का मान हम फाइंड करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये आपका दिया 2x + 3y = sin x। अवकलन कीजिए dx 2x dx 3y dx sin x। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +3 dy/dx इसका टू साइन का जाएगा cos x। ये राइट में जाएगा 3 dy/dx इक्वल टू cos x -2 या dy/dx इक्वल cos x -2/3। यही आप क्वेश्चन नंबर 1 का एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x + 3y = sin y। अब अवकलन करेंगे दोनों तरफ dx 2x 3 dx y dx sin y। इसका आएगा 1, इसका आएगा 3 dy/dx या साइन का cos जाएगा और dy/dx राइट में आएगा। तो 2 इक्वल cos y dy/dx -3 dy/dx। ये dy/dx कॉमन है, क्या बचेगा cos y -3 = 2 या dy/dx इक्वल डिवाइड कर दीजिए 2/cos y -3। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए कंप्लीट सोल्यूशन होगा। तो ए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ए कंप्लीट सोल्यूशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ax² ax + by² = cos y। अवकलन करेंगे 3 dx b dx dx। अवकलन कर दिए x के सापेक्ष, a इसका जाएगा 1, b इसका जाएगा 2y dy/dx, cos का जाएगा -sin y dy/dx।
या ए इसको राइट में कर दीजिए तो ये आपका माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू डी वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन वाला तो आएगा साइन वाई माइनस में कॉमन लीजिए तो साइन वाई प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया इक्वल टू ए माइनस ट्रांसफर कर दीजिए राइट में तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपान साइन वाई प्लस टू बी वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टेन एक्स प्लस वाई। आकलन कीजिए डी डी एक्स एक्स वाई प्लस डी डी एक्स वाई स्क्वायर डी डी एक्स टेन एक्स डी डी एक्स वाई। ये पहला फलन दूसरा फलन पहला फलन डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स एक्स प्लस इसका टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका फलन टेन का सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स या एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ये वन हो जाएगा प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको राइट में सब लेफ्ट लाइए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स या और हो गया लेफ्ट लाइए इसको माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस टू वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई या डी वाई बाई डी एक्स ये डिवाइड हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। यही आपका क्वेश्चन नंबर फोर का एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब आइए फाइव देखिए। फाइव पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर हंड्रेड। अवकलन कीजिए डी डी एक्स एक्स स्क्वायर डी डी एक्स एक्स वाई डी डी एक्स वाई स्क्वायर डी डी एक्स हंड्रेड क्या हो जाएगा टू एक्स। ये पहला फलन दूसरा का अवकलन दूसरा फलन पहले का अवकलन ऑन हो जाएगा प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका टू कांस्टेंट का अवकलन जीरो। अब यह हो गया राइट में जाएगा इसको लेफ्ट में लाने दीजिए एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए राइट में जाएगा तो माइनस टू एक्स प्लस वाई या डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस टू वाई। यही आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा।
अब आइए सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अवकलन कीजिए, डी डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स वाई क्यूब इक्वल डी डी एक्स 81। ए थ्री एक्स स्क्वायर आएगा इसका अवकलन, इसका पहला फलन ये दूसरा पहला फलन दूसरे का अवकलन धन, दूसरा फलन पहले का अवकलन टू एक्स जाएगा। यहाँ पर आपका पुनः एक पहला है दूसरा पहला फलन यानी एक्स दूसरे का अवकलन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इसका हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इसका वन हो जाएगा। अब प्लस इसका अवकलन थ्री वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स एक कांस्टेंट है जीरो। अब या और एक पास कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स या राइट में कर दीजिए तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इसका डिवाइड कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इस पर टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। दिया साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई इक्वल टू पाई अवकलन करना है तो अवकलन कीजिए, डी डी एक्स साइन स्क्वायर वाई धन डी डी एक्स कास एक्स वाई डी डी एक्स पाई इसका अवकलन हो जाएगा। देखिए टू साइन वाई साइन का कास वाई डी वाई वाई डी एक्स इसका हो जाएगा। अब प्लस कास का माइनस हो जाएगा साइन एक्स वाई यह हो गया एक्स वाई का पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन कांस्टेंट का अवकलन जीरो। यहाँ पर टू इज टू साइन वाई कॉस वाई साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई एक्स इंटू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस इसका जाएगा माइनस में वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू जीरो राइट में जाएगा तो साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई या डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर वाई साइन एक्स वाई बाई साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई
यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, अवकलन कीजिए डी डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई डी डी एक्स 1, इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर का साइन का कॉस एक्स धन 2 कॉस वाई कॉस का हो जाएगा माइनस साइन वाई वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपका राइट साइन 2 एक्स हो जाएगा, या आपका साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। राइट में जाएगा, राइट में जाएगा तो माइनस साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2 एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2 एक्स बाई माइनस साइन 2 वाई, माइनस माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2 एक्स बाई साइन 2 वाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार आज का जो टॉपिक था वो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक केवल डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना था, तो इसको हम लोगों ने ज्ञात किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।